नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। पंजाब में किसानों ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध टाल दिया है। इस संबंध में मंगलवार रात को किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी किसानों से मिलेंगे। ये मुलाकात दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी। इसके अलावा 15 जनवरी से पहले MSP पर कानूनी गारंटी वाली कमेटी बना दी गई है। किसानों को यह भी भरोसा दिया गया है कि आंदोलन के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए केस 31 जनवरी तक वापस ले लिए जाएंगे। फिरोजपुर में भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत के साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के राज्य प्रधान सतनाम सिंह पन्नू की मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से कई दौरों की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि फिलहाल किसान फिरोजपुर में बैठे हैं। हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र से अभी हमें लेटर का इंतजार है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली का पता चलते ही किसान विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि केंद्र में कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन अभी तक बाकी मांगे नहीं मानी है, जिससे हमें बड़ी मांगे MSP पर कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बनाना और किसानों पर दर्ज केस वापस लेना है। किसानों का कहना था कि पहले इन पर फैसला होना चाहिए, फिर PM को पंजाब आना चाहिए। हालांकि इस पर अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के साथ लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को मीटिंग होनी है, जिसमें केंद्र से बनी सहमति के बाद उन पर प्रगति के बारे में विचार किया जाएगा। संभव है कि MSP कमेटी बनने के लिए उससे पहले ही फैसला ले लिया जाएगा। इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुदय बुलेटिन। नमस्कार।